त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु आदित्यनवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज शनिवार प्रातःकाल नवमी तिथि रेवती नक्षत्र आप सभी का ज्योतिष पुंज टीवी लाइव पर स्वागत है। मित्रों, क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा सा तनिक विलंब से हम शुरू कर पाए, कुछ तकनीकी व्यवधान था, इंटरनेट की कुछ दिक्कत थी, नहीं चल पा रहा था, तो अब चला है। उम्मीद है कि आज अब राहु महाराज आज के लिए सनात होंगे और ये हमारा जो लाइव है चलता रहेगा। मित्रों, मैं बात करने से पहले एक बात फिर से कह दूं, हो सकता है सुबोध मंडल जी नए हों, जुड़े हों या पहले भी जुड़े हों, मुझे याद नहीं है, वो कुछ बर्थ डिटेल कुछ दे रहे हैं अपने। मित्रों, सुबोध जी आपसे भी बाकी सभी मित्रों से भी अनुरोध है कि इसमें आप क्वेश्चन ना पूछें, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं मिलता है, ये केवल ज्योतिष विधा को पढ़ने पढ़ाने के लिए, इसके प्रयोगों को और अधिक करने के लिए, प्रिडिक्शन जो है उसी प्रिडिक्शन को जो आप जानना चाहते हैं उसी प्रिडिक्शन को और ज़्यादा मैच्योर करने के लिए, परिपक्व करने के लिए, उसमें और अधिक गुड़ डाल के उसके मिठास को और अधिक निकालने के लिए, जो परम पिता द्वारा हम यह बताई विधा है, महर्षि पराशर द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए केवल प्रयोग करते हैं। उसी के जो और बहुत से सूत्र हैं उन्हीं सूत्रों को हम फिर से यहाँ पर विचार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आप चाहें तो मेरे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, फीस के साथ मुफ्त की सेवा नहीं है, और इस पर ये आधे घंटे के प्रोग्राम में कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। चलिए, तो हम मित्रों बात कर रहे थे पंचांग का जन्मफल, अर्थात पंचांग के पांच अंग। पांच अंगों को तो आप जानते हैं, वार या दिन, तिथि, नक्षत्र, योग और करण में जन्म। इनमें से अभी तक जो हमारी बात चल रही है चौथा अंग चल रहा है, वार हो चुका, तिथि भी, नक्षत्र भी, योग की हम बात कर रहे हैं। योग जो पंचांग के 27 योग हैं उनमें जन्म किस योग में जातक जातिका को मिला है उसके अनुसार उसके क्या फल होंगे, अर्थात उसके जीवन काल में क्या क्या प्रिय अप्रिय, अधिक या कम, अच्छा या बुरा, क्या होने की प्रबल संभावना है, उसी संभावना को हम व्यक्त करते हैं, और उन्हीं को विद्वान ज्योतिषी का यह कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, इन सभी योगों को भी बाकी जो सूत्र हैं उनके साथ मिलाकर प्रिडिक्शन करने की कोशिश करें तो उनका जो प्रिडिक्शन लेवल है उनकी वाणी में सरस्वती का निवास और अधिक होगा तथा उनका प्रिडिक्शन एक्यूरेसी लेवल पर और अधिक बढ़ेगा। सभी मित्र जो भी नमस्कार प्रणाम विश कर रहे हैं, सभी को यथायोग, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को आशीर्वाद। चलिए अब हम बात करते हैं, तो हम बात शुरू कर दीजिए 27 नक्षत्र योगों में से। कुछ योगों की बात हमने पिछली कक्षाओं में कर ली। मित्रों, मैं कक्षा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यह सीखने और सिखाने का ही समय है हमारे पास, शनिवार के दिन आधा घंटा जो लाइव आता है ना, इसमें कोई मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, जूम मीटिंग इस तरह का काम नहीं है, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो ये कक्षा के रूप में ही है। कुछ हम सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। चलिए, अब जो आज का योग है व्याघात योग की, मित्रों जब मैंने बात की थी तो एक बात आपको बताया था, इन योगों में, इन जो पराशरी योगों के अलावा जो पंचांग के 27 योग हैं, अधिकांश योगों का फल इनके नाम से ही होता है और हमको आपको पता चल जाता है कि यह इसका फल क्या होने वाला है, उस समय जिस जातक जातिका ने जन्म लिया है उसके जीवन काल में क्या क्या घटित होने की प्रबल संभावना है। अब फिर उसके बाद कुछ शब्द ऐसे भी थे जो अभी दो योग आ रहे हैं, वह
एकदम संस्कृत के शब्द हैं एकदम पॉपुलर नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि उसका मीनिंग कठिन है या नहीं आता, थोड़ा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज में नहीं होते, तो उसका हम बात करते हैं, बाकियों की बात करेंगे। पहला है व्याघात योग। व्या, व्या मीन्स बड़ा, घात मैंने, घात का मतलब संस्कृत में होता है, घात का मीनिंग है हिंदी में, संस्कृत का शब्द घात है, कहीं चोट लगना, देखना, छुप कर देखना। आघात अलग है, घात का मतलब है देखना, इंतजार करना, चोरी छुपे हो या वास्तव में हो। व्याघात का मतलब बड़ा आघात, बड़ा घात मतलब अधिक इंतजार करना, अधिक देखना, अधिक चीज़ें दिखाई देना। अब जिसको अधिक चीज़ें दिखाई देगी वो जातक जातिका कैसा हो, क्योंकि मैंने कहा था अभी कि कुछ शब्द जैसे व्याघात ही शब्द है बहुत पॉपुलर नहीं, हम बोल सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको यूज़ नहीं करते, और जैसे घात लगता है तो सामान्य आदमी सामान्य इंसान ये समझता है घात का मतलब आघात, चोट। व्याघात का मतलब संस्कृत का वर्ड है, थोड़ा ये जो 27 योगों में से है, व्याघात का मतलब है अधिक बड़ा। बड़ा और अधिक होना क्या मतलब है, जिसके बाद कोई चीज़ बड़ी हो, सुख भी दुख भी, अच्छाई भी बुराई भी, धन भी दौलत भी, गरीबी भी भुखमरी भी, सारी चीज़ जो बड़ी हो वो व्याघात है। तो जो जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें हों, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ये छठी सातवीं आठवीं जो भी इंद्रियां जितनी काउंट हम करते हैं वह कुछ अधिक है, सेवंथ सेंस उसकी जागृत रहती है, तो इसका मतलब क्या है, उसके बाद बहुत सारा ज्ञान होता है, ज्ञान का भंडार, ज्ञान समझ का, बुद्धि का, विवेक का, वाणी का, धन का, संतान का, पति पत्नी का और माता पिता का आशीर्वाद के रूप में, बहुत सारे गुरुजनों का आशीर्वाद के रूप में, भगवत कृपा के रूप में उसके साथ बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, और वह जातक जातिका उन तथ्यों को, उन बातों को, उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को कैसे प्रयोग किया जाए, या इसके फल कैसे हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, अच्छा बुरा क्या होने की प्रबल संभावना है, उनका पास उसका पता रहता है, अर्थात वह सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञता को धारण किए हुए होता है, उसका बहुत सारा बुद्धि विवेक विशारद उनके पास होता ही है, व्याघात योग में जिस जातक जातिका ने जन्म लिया। अब दूसरा इसका एक और है, जिसके पास इंटेलिजेंसिया ज्यादा हो, अभी तो हमने बात की बहुत सारी चीजें हैं, बुद्धि विवेक भी है, धन दौलत भी है, तो एक्सट्रीम केसेज में कमी भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें कमी भी हो सकती है, तो वह सब चीज़ जानने वाला है, उसको स्थिति परिस्थिति का बोध है, तो उसकी इज्जत तो होती है, मान्यता तो उसको मिलती है, वो पब्लिक में भी, समाज में भी, परिवार में भी, देश में भी, विदेश में भी उसकी ख्याति होती है, विख्यात होता है इंसान। और ऐसे इंसान क्या है, जितना जब जहाँ जैसे हो सके उसका वह मदद करने वाला, उसका कार्य करने वाला, उसको हेल्प करने वाला, ऐसा गुण लिए हुए व्याघात योग में जन्म लिए हुआ जातक होता है। तो इसलिए मैंने कहा था अधिकांश शब्द जो है उन्हीं से उनका मतलब निकलता है, उससे फल मिलते हैं, लेकिन कुछ शब्द जैसे व्याघात संस्कृत का शब्द था, अधिकता लिए हुए है, तो इसका फल कुछ अगर हम घात से ही करते तो थोड़ा सा नेगेटिव मिलता। अब ये तो पहला योग आज के लिए जो हमने चर्चा की, अब दूसरा योग है हर्षण। यह भी थोड़ा सा संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब जो मित्र जानते हो तो ठीक है, जो ना जानते हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हर्ष, हर्ष से हर्षण बनाया ना, हर्ष का मतलब क्या है, खुशी, प्रफुल्लता, वैभव। भाई खुशी कब मिलेगी, जब उसके पास संपन्नता होगी। खुशी कब मिलेगी, जब उसका भाग्य साथ देगा। खुशी कब मिलेगी, जब उसका मान सम्मान होगा। खुशी कब मिलेगी, जब उसके पास इच्छित वस्तुएं, वांछित वस्तुएं उसके पास उपलब्ध होंगी या प्राप्त होंगी, है ना। तो इसी चीज़ का फल प्रतिफल इस हर्षण योग में होगा। हर्ष का मतलब तो समझ लिया, हर्षण अणो लगा दिया तो अधिक खुशियाँ, अधिक इच्छाओं की पूर्ति, अधिक
धन दौलत अधिक, तो ऐसे जिसके पास अधिकता किसी चीज की ऐसी हो, विशेषतः पॉजिटिव चीजों की अधिकता हो, तो वह इंसान कैसा होगा? भाग्यशाली होगा, है ना, भाग्यशाली होगा। तब हर्षण योग कैसा है? पॉजिटिव योग, भाग्यशाली। जो भाग्यशाली होगा उसके पास क्या होगा? अभी तो बात की हमने, मान सम्मान तो मिलेगा, अर्थात वह समाज में भी, राज दरबार में भी, और या अब हिंदुस्तान की बात करें, आज के राज दरबार नहीं है तो कहीं हो सकता है एमपी एमएलए हो, कोई मंत्री परिषद में हो, या कोई राजमान्य इंसान हो, ऐसी चीजें इसके पास होगी। भाग्यशाली भी है, मान्यता भी प्राप्त है, उसके बाद धन होना तो अवश्यंभावी है। धन कई तरह का है, कैश या काइंड जो भी है, हर तरह का धन होने की भी प्रबल संभावना है। और फिर ऐसे इंसान निपुणता लिए होते हैं, विशेषतः शास्त्र में, शास्त्र नहीं शास्त्र में, शास्त्र मीन बोलने में, प्रैक्टिस करने में। अब बोलना चाहे अदालत में किसी वकील का हो, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर का हो, किसी लोक नेता का हो, तो बोलने में निपुणता है। शास्त्र जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें उस जातक जातिका की मास्टरी होती है। और यही जो विद्या है, शास्त्र निपुण है, ये सारी चीज़ हैं, मान्यता भी उसकी है, भाग्यशाली भी है, तो वह धनी तो होगा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद उसमें कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है, उसमें ढीठपन भी आ जाता है, अडामेंसी भी आ जाती है, वो सब कुछ समझता है, सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास ही सब कुछ है, मैं बहुत ही जानता हूँ, दूसरे की बातों को आसानी से सुनते नहीं, मानते नहीं, उन पर अमल नहीं करते। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें हमने इस हर्षण योग की। अगला योग आज के लिए जो तीसरा योग है, संजय जी नमस्कार, योगेंद्र वैष्णव जी भी कुछ बात कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, वो छोटे छोटे वर्ड हैं, मैं एकदम पूरा पढ़ नहीं पाता हूँ, तो सभी को नमस्कार, यथायोग प्रणाम आशीर्वाद। तो अब अगला योग है वज्र योग। कुछ बोलचाल की भाषा में बॉब यूज करते हैं वज्र के बला, वज्र वज्र नहीं है बेसिकली, वज्र योग है। वज्र का मतलब क्या है? जैसे हमने घात कही थी, व्याघात में घात की या आघात की बात सडनली अचानक हमारे मन मस्तिष्क पर व्यवहार पर आती है, तो वज्र भी इसी तरह का माना जाता है। देखिए वो और बॉ में ज़्यादा फर्क नहीं, अब मतलब भी मिलता जुलता ही। वज्र योग, वैसे तुम क्या कहते, वज्र गिरा ना गिरे किसी पर, किसी पर प्रहार कर देना, वज्र मुष्टि, किसी पर प्रहार कर, वज्र मुष्टि मीन्स बहुत ही मजबूत मुट्ठी है, हनुमान जी की जैसी मुट्ठी है, अंगद के जैसे पैर हैं, है ना, और वो जो तीर लक्ष्मण जी ने चलाए थे, भगवान राम ने चलाए थे राक्षस का संहार करने के लिए, अर्थात वैसा उस जातक जातिका में उसके करैक्टर में होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि मजबूती अधिक है, आपने देखा हो, प्रयोग किया हो या सुना हो, जो कछुआ होता है ना, कछुए की जो पीठ होती है, कोई खतरा होता है तो कछुआ अपने सिर को, गर्दन को उसके अंदर छुपा लेता है, समेट लेता है, तब क्या होता है? वो समेटने से क्या होता है? वह बचाव हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का जो कवर है बहुत ही मजबूत होता है, वज्र मुष्टि की तरह होता है, तो इसी तरह लोहा जैसे मजबूत है। तो अर्थात वज्र योग में इंसान जो जन्म लेता है वो मजबूती लिए होता है, मजबूती शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, प्रायोगिक, किसी भी तरह की उसमें मजबूती होती है। और जिसमें मजबूती होती है वह विद्या में, बुद्धि में, अस्त्र शस्त्र में, अस्त्र मीन जहाँ जिस चीज़ की जब जरूरत हो वह वैसा प्रयोग करेगा, वैसी विद्या प्रयोग करेगा, उसमें भी उसकी कॉम्पिटेंसी, मास्टरी या निपुणता होती है। और फिर जिसमें निपुणता होगी वह पराक्रमी तो होगा, और पराक्रमी तो होगा, और धन धान से उसमें सामान भी मिलेगा, युक्त भी मिलेगा, उस पर भरपूर होगा, ये वज्र योग के फल से। चलिए मित्रों अगला योग की बात करें, सिद्धि योग। सिद्धि का मतलब है, सिद्ध तो जानते हैं, मतलब उसको सक्सेस मिलना, सिद्धि प्राप्त होना, उस किसी भी जातक जातिका की
किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट में, किसी पर्टिकुलर काम में मास्टरी है, या उसने जो बोल दिया वो बिल्कुल सरस्वती की वाणी है, सही होता है, उसने जो कर दिया उसमें फेल्योर होता ही नहीं है। तो ऐसे सिद्ध योग में जिसने जन्म लिया हुआ है, कहीं कहीं सिद्ध भी कहा जाता है इसमें प्रयोग में, मतलब दोनों का एक ही है। मीन्स सारे कार्य किसी भी तरह के हों, कभी भी हों, कहीं भी हों, उनको करने में उसको जातक को महारत प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, सक्सेस होती है। और ऐसे जातक क्या होते हैं जिसके पास सक्सेस है, महारत है, वो देने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं, भोग उपभोग भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। जो दान पुण्य भी करेगा, भोग उपभोग भी करेगा, जिस पर महारत हो, वो सुखी जीवन तो जिएंगे ही। जब सुखकारी हो चेहरे पे, उस पर कहाँ तनाव रहेगा, सुंदरता लिए भी होते हैं। और लेकिन कभी न कभी किसी न किसी रूप में उनका कंसर्न बहुत अधिक होता है, क्योंकि सिद्धि उनके पास होती है। जब अधिक सिद्धि होती है तो वो फिर नेगेटिव भी कहीं कहीं लेता है, उनको कहीं ना कहीं परेशानी, दिक्कत, कष्ट, रोग, सुख भी मिलता ही है। अब अगला जो हमारा योग आज का है, पंचांग का योग, वह व्यातिपात। पात मीन्स गिरना, नीचे होना, पतझड़ होता है ना, वो गिर जाना। पात पत्ते को भी पात कहते हैं, पत्तल से जो जिससे उसी से बना पत्तल, पात पत्ते को भी कहते हैं। और वैसे पात का मतलब गिर जाना, ऊंचाई से गिर जाना, पेड़ से पत्ता गिर जाना, तना टूट जाना, या कहीं और से किससे गिर जाना, ऊंचाई से गिर जाना, करेक्टर से गिर जाना, व्यवहार से गिर जाना, और पतित हो जाना, पात का मतलब उसी से। और व्याति का मतलब है दुख, कष्ट, अर्थात जो जिस पर, जिससे, जिसके व्यवहार में, जिसके जीवन में कष्ट आते ही रहते हों, जो कष्टों से घिरा ही हुआ हो, जिसके कार्यों से, व्यवहार से, वाणी से, आचार से, विचार से किसी न किसी रूप में जो डाउन ट्रोडन होता ही रहो, नेगेटिविटी ही आती है। तो जिस व्याति का मतलब क्या होगा फिर, वह कष्टपूर्ण होगा, जिसमें कष्ट ही लिखे हैं, जिससे नेगेटिविटी ही आ रही है, तो जीवन भी कष्टपूर्ण ही होता है, परेशानी वाला भी। और ऐसे जातक जातिकाओं को, अब वो शब्द कहने से पहले मैं सभी विद्वानों से फिर कह दूं, या जो मित्र अभी लाइव जुड़े हैं, बाद में भी सुनेंगे, जो ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं हैं, ज्योतिष के विद्वान नहीं हैं, उनके लिए भी यह अलर्ट है। क्योंकि जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ व्यातिपात योग की, इन सब का विचार करने से पहले, या पंचांग के फल कहें, या और हम किसी भी दिशा और बाकी चीज़ों को प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एक ही योग से, एक ही बात से, एक ही तथ्य से फाइनल कंक्लूजन नहीं है। उसको जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो उसमें वो पैथोलॉजिस्ट लिख देता है शुड बी कोरिलेटेड क्लिनिकली, तो उसको बाकी चीज़ों के साथ भी मिलान करके ही बात करनी चाहिए, फल कथन करना चाहिए। तो इसलिए व्यातिपात योग के लिए कहा है, उसको जीवन में जन्म के बाद से, जन्म के समय से ही कष्ट रहता है, कुछ समय तक कष्ट अधिक रहता है। अब बाकी विचार भी करना पड़ेगा, कहीं अरिष्ट योग तो नहीं है, अरिष्ट भंग तो नहीं है, या शुभ स्थिति के गुरु लग्न में है तो फिर कष्ट कहाँ, उसको भी एक अच्छी पोजीशन मिलती है। तो यदि कष्ट तो उसको मिलता है और मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलता है, फिर भी कहा गया है, माना गया है, देखा गया है, परखा गया है कि व्यातिपात योग में जो इंसान जन्म लेता है कष्टपूर्ण तो है, और कष्टों के बाद जब निकलता है फिर क्या होता है, लोहा भट्टी में तप तप कर, सोना भट्टी में तप तप कर जब निखरता है तो उसकी निखार और बढ़ जाती है, लोहे में जंग नहीं लगता, सोने की चमक और बढ़ जाती है। तो अर्थात यही है कि व्यातिपात योग में कष्ट तो उसको मिलेगा, जीवन में कष्ट तो मिलता है, फिर भी जिंदा रहता है तो वह उत्तमता को प्राप्त होता है, सोने और लोहे की तरह ही वो गढ़ा जाता है, उसमें गुण और अधिक बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। तो मित्रों, आपको कैसा लगा आज के इन योगों की कुछ चर्चा हमने की, और आज की बात इतनी ही, आने वाले शनिवार के दिन फिर बाकी योगों की हम बात करेंगे, और फलित करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए और बात करेंगे। आप मेरा नंबर नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लें, 9818885137। जय राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।